अब मैं आपको मार्कशीट दिखाने जा रहा हूं टैक्स की, क्योंकि आप में से भी काफी सारे बच्चों का एक एम होगा कि सर मेरे को 70 मार्क्स लेने हैं टैक्स में, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे को 80 मार्क्स चाहिए, 85, उसके लिए हम क्या करें। तो ये जो आपके सामने मार्कशीट है ये टैक्स के टॉपर्स की है। नाम वैसे आपको पता, बट मैं नाम ले नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को यूट्यूब पे भी डालनी है, और नाम आईसीएसए ने उसको प्राइवेटाइज मतलब कॉन्फिडेंशियल रखने को बोला है कि कोई भी नाम हम पब्लिक नहीं कर सकते कि इसकी मार्कशीट है। बट इस मार्कशीट में इस बच्चे के नंबर 75 है, तो अगर 75 नंबर है तो इसका पेपर देख के मेरे को ये तो आइडिया लग गया इसके प्रोविजन बहुत अच्छे से क्लियर है। और दूसरी सबसे मेन बात जो मेरे को अच्छी लगी है इस बच्चे की, इसने प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया की है। मतलब हैंडराइटिंग वाइज मत देखना कि सर हमारी हैंडराइटिंग इससे अच्छी है, हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती, मैटर करता है प्रेजेंटेशन की, जो आपने कैलकुलेशन दिखाई है वो कितनी सही तरीके से दिखाई है। आपको मैं दिखाता हूं, जैसे मान लो अभी इसने पहला, अच्छा पहली बात आप चेक करो, इसने पेपर की स्टार्टिंग जो की है वो क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं की। इसने सबसे पहला आंसर आंसर टू क्वेश्चन 4A, 4A का पहला पार्ट इसने किया, तो क्वेश्चन 4 से स्टार्टिंग की है। आप समझ रहे हो, 1 नहीं पहले किया, 2 नहीं पहले किया, 3 नहीं पहले किया, तो ऑब्वियस ये बात है अगर टेक्स में 75 मार्क्स हैं तो ये बात तो कंफर्म है कि पहला क्वेश्चन पहले करना जरूरी नहीं होता। और ये बात मैं हर बच्चे को बोलता हूं कि पहला क्वेश्चन पहले करो ही मत, वो 20 नंबर का होता है भाई, पूरा तुम्हारा 1 घंटा खा जाएगा, पूरा तुम्हारा 1 घंटा 1.5 घंटा चौपट, क्योंकि उसके अंदर बड़ी केस स्टडी होती है। अब बड़ी केस स्टडी है, पढ़ने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम लगेगा, और पहला क्वेश्चन सबसे टेक्निकल होता है नॉर्मली। तो जो तुम्हें 15 मिनट मिल रहे हैं, उस 15 मिनट में सबसे पहले तुम यही देखो कि जो ऑप्शनल में है उसमें से मुझे कौन सा आता है, और कोशिश करो पहले सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, जो भी तुम्हें इजी आता है। इस बच्चे ने पहले जो किया वो आंसर टू 4A किया। अब देखो इसने बीच में लिखा है, आप समझ पा रहे हो, मतलब यहां पे साइड में नहीं घुसा दिया इसने, ठीक है ना, यहां पे इसने लिखा है कि हाँ भाई ये मैं प्रेजेंट करने जा रही हूं, और फिर जो वो कैलकुलेट करने जा रहा है बच्चा, उसने हेडिंग डाल दी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर विनोद ऑफ द असेसमेंट ईयर 24-25 ऑन अजम्पशन ऑफ ऑप्टिंग आउट द सेक्शन 115 BSE, कि मैं ये एज्यूम कर रही हूं कि इसने 115 BSE ऑप्ट आउट की है, मतलब 115 BSE नहीं लिया। अब इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये चीज उसने क्वेश्चन में दी हुई थी, अगर मैं इस बार का पेपर देखूं उसने पेपर में दिया हुआ था कि आप एज्यूम करो उसने 115 BSE नहीं लिया। अब क्लैरिटी देख रहे हो, अगर आपने यहां से क्वेश्चन सीधा स्टार्ट किया या आपने लिखा ही नहीं तो वो उसके भी नंबर काट लेगा। तो सबसे पहले आपने ऊपर हेडिंग क्या डालनी है, आप क्या निकाल रहे हो वो तो बताओगे ही ना। अब मैंने तुम्हें बोला टैक्सेबल सैलरी, तुम टैक्सेबल सैलरी निकाल के आए, ऊपर लिखा ही नहीं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, उसका 1 नंबर गायब। तो प्रेजेंटेशन के नंबर बहुत खतरनाक होते हैं, आपको बार बार कह रहा हूं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट जितने मर्जी मजबूत हो अगर तुम ऐसे नहीं करके आओगे वो नंबर काट लेगा। और सब कुछ करने के बाद भी 75 मार्क्स आए हैं तो आप समझ सकते हो प्रेजेंटेशन कितनी जरूरी है। बात समझ पा रहे हो, अगर आपको 75 से ऊपर लेने हैं इससे अच्छी प्रेजेंटेशन करके आनी पड़ेगी आप कुछ, तो अगर आपको लग रहा है आप इससे अच्छी कर सकते हो और कर सकते हैं, मैंने काफी सारी इंप्रूवमेंट इस बच्चे को बताई, मैं कहा ये हो सकती थी, चलो उसका तो ऑल ओवर इंडिया रैंक है, रैंक कौन सा है वो तुमको पता है बट मैं बताऊंगा नहीं अभी कौन सा। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि इसके 75 मार्क्स किस तरह से, पहला इसने ये लिखा, फिर उसके बाद देखो टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन, वही टेबल बनाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। अब यहां पे सबसे मेन बात क्या देखो, जो चीज ऐड करनी है ऐड, यहां पे ऐड डिस अलाउंस, ये पीजीपी का क्वेश्चन है, आगे रखे पता लगेगा आपको डिस अलाउंस। फिर कमाल की बात देखो, इनकम टैक्स ऐड क्यों किया उसने, सिंस आपको पता ना 3 डॉट होती है पता ना, तो देखो उसने यहां पर 3 डॉट लगा के पर्सनल लाइबिलिटी इसलिए मैंने ऐड किया, विद रीजन बताया उसने, मतलब ये नहीं इनकम टैक्स ऐड कर दिया क्यों, वो तुम खुद ढूंढो तुम्हें पता होगा क्यों ऐड किया हमने, तो हमने कर दिया। आपको मैं ये शीट दिखाने का पर्पस सिर्फ ये कि तुम्हें ये फील करवाना कि मैं क्या क्या लिख के आना जरूरी है। तभी मैं तुम्हें बार बार क्या कहता हूं कि भैया जो तुमने कैलकुलेशन की वो शो करके आओ। सर एग्जामिनर को तो आप ये मानो कि वो अनजान है, उसको नहीं पता कुछ भैया, अगर अगर तुम ये मान लो कि उसको सारा पता है तो भाई पेपर के आंसर तो उसके पास को सारा पता ही है, फिर तुम क्या करके आ रहे हो। तो ये मानो उसको नॉलेज है जीरो, हमें बताना है कि हम क्या करके आ रहे हैं। फिर उसने ये ऐड किया, कमाल की बात देखो, फिर क्यों ऐड किया, नो टैक्स वॉज डिडक्टेड बिफोर ड्यू डेट इसलिए मैंने ऐड किया। डेप्रिसिएशन क्यों ऐड किया, ऐसे ऐड किया मैंने। अब देखो इसने वर्किंग नोट नहीं बनाए, इसने साथ साथ रीजन लिख दिया क्योंकि इतना टाइम पेपर में होगा नहीं। मैंने कहा ना प्रेजेंटेशन में वेरी, अगर तुम चाहो इसको वर्किंग नोट में ले जाओ बाद में,
इस बच्चे ने बनाई है बाद में वर्किंग नोट, तो सिंपल सी बात है वर्किंग नोट भी बना सकते हो और आप इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों प्रेजेंटेशन ओके हैं। प्रेजेंटेशन में वेरी, प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है तुम्हारे पास उस टाइम कितना टाइम है। ये 3 घंटे की गेम है सारी, 3 घंटे में तुम्हें देखना है तुम्हारे पास उस टाइम कितना टाइम है। उसके बाद देखो जी, फिर देखो ये एड क्यों किया, ये देखो ब्रैकेट में रीजन, हर चीज का रीजन है भाई साहब, क्यों नंबर नहीं देगा इंस्टीट्यूट बताओ। चाहे अब तुम्हें लग रहा होगा सर इससे अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, मैंने कहा ना अच्छी कर सकते हो तो नंबर भी 75 से ऊपर आ जाएंगे। मैंने तो कहा नहीं अच्छी का अंत है, नंबर कितने हैं 75, 100 तो है नहीं, तो 25 का मार्जिन तो अभी भी है। और वो क्यों मार्जिन है, अगर कुछ और अच्छा करके आओगे तो नंबर इंस्टीट्यूट और दे देगा जी, तो कहीं ना कहीं तो नंबर उसके कटे ही होंगे ना। उसके बाद अब मान लो ये देखो एड, अब इसकी बात मेरे को और अच्छी लगी। अब इसने देखो ये कॉन्टिन्यूएशन में आ रहा है, ये सारी चीजें ऐड हो रही हैं, अगली शीट पे गई तो इस बच्चे ने दोबारा से ऐड लिखा, कहीं एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो जाए, जबकि है कॉन्टिन्यूएशन में बट कई बार अगली शीट पे वो आ गया, तो अगली शीट पे ऑटोमेटिकली अगर हम देखें तो ये एडिशन ही तो चल रहे हैं, बट उसने दोबारा से उसको शो किया कि हमने ऐड किया, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे देखो उसने जो लेस किया, क्या लेस किया, और एग्रीकल्चर इनकम क्यों लेस की, रीजन ये क्यों लेस किया, रीजन ये क्यों लेस किया, नीचे रीजन। तो हर चीज की वो रीजन देके आ रही है कि मैंने क्यों ऐड और क्यों लेस किया, ऐसे नहीं कि चुप होके बैठ गई है कि ऐड कर दिया लेस कर दिया, तुम रीजन तुम्हें पता होंगे, तुम चेक करने वाले हो मैं क्यों बताऊं। तो हर पॉइंट का रीजन है। तो उसके बाद फिर उसने यहां पे उसको नंबर दिए 2 नंबर यहां तक, ऐसे ही ये चीज इसके ब्रैकेट में रीजन। अब इसने कुछ यहां पे गलती की होगी, अब ग्रोस टोटल इनकम ऐसे आ गई, फिर ग्रोस टोटल इनकम का देखो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, फिर डिडक्शंस लेस 80C माइनस कर दी, ये माइनस की, देन आपकी टोटल इनकम निकल के आ गई, तो इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ रही है नहीं? उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन में भी सेम, अब अगले क्वेश्चन में देखो चीजें, देखो इसने जो डेज हैं देखो अंडरलाइन किया हुआ है, बात समझ में आ रही है? तो जो मेन मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन किया है, देखो ये सबसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन है टीडीएस वाला, एक चैप्टर हम करेंगे टीडीएस का, कितने बढ़िया तरीके से इसमें लिखा है, देखो सेक्शन नंबर इतने से ऊपर टीडीएस कटेगा और फिर यहां पे कितने परसेंट टीडीएस कटा उसने यहां पे बता दिया। आप देख रहे हो गैप, गैपिंग देख रहे हो गैपिंग का, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि उसने बीच में घुसाया नहीं है, मतलब यहां उसने प्रोविजन लिखा छोटा सा, बड़ा नहीं छोटा प्रोविजन, और जो मेन की पॉइंट है अंडरलाइन किए, एक लाइन दो, एक लाइन छोड़ी फिर लिखा, एक लाइन छोड़ी फिर लिखा, ताकि सामने वाले को वो दिखाना चाहती है कि भाई इसका आंसर ये है, बीच में घुसा नहीं दिया उसने आंसर। शीट हमें घर से लेके नहीं यानी शीट हमें वहां से मिलनी है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है उस टाइम क्या कर रहे हो, ठीक है। और तभी इस बच्चे के नंबर भी है और तभी इस बच्चे का रैंक भी है, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पे, अब देखो अगला, फिर अगला टीडीएस वाला अंडरलाइन सेक्शन, और फिर यहां पे देखो, अच्छा ये हाईलाइट मैंने किया है, ये उसने नहीं किया है, शीट मैंने हाईलाइट किया आपको दिखाने के लिए। देखो 2% को भी अंडरलाइन किया है, फिर किस पे टीडीएस कटेगा इसको भी अंडरलाइन किया है, और फिर यहां पे देखो वही अलग करके टीडीएस। ऐसे अगले पॉइंट पे आओगे, देखो यहां पे अंडरलाइन दिख रहा आपको सारा, मतलब अच्छा जब अंडरलाइन कर दिया अब चेक करने वाला क्या देखेगा, यही देखेगा बस, और अगर ये सही है तो काम खत्म, वो नंबर दे देगा। तो जब उसने ये मेन की पॉइंट अंडरलाइन कर दिए तो उसके बेस पे काम खत्म हो गया। मैं ये नहीं कह रहा सेक्शन लिखने जरूरी है, इस बीच में मत आना, उसको याद थे उसने लिख दिए तो उसमें घबराने की बात नहीं है सर, हमें तो याद ही नहीं हो रहे सेक्शन, वो घबराने की बात नहीं है, बट जो तुम्हें याद है जो तुम्हें लग रहा है की पॉइंट है उसी टाइम पर उसको अंडरलाइन कर दो, लिखते लिखते अंडरलाइन कर दो, बाद में टाइम नहीं मिलता भाई। फिर बच्चे बोलते हैं बाद में, 3 घंटे तुम्हें कम पड़ जाएंगे, और जो अभी घर से होमवर्क नहीं करके आ रहे वो तो भूल ही जाए 40-50 से ऊपर नंबर का पेपर, मैं भी बता रहा हूं उनको, क्योंकि उन्होंने टेक्स्ट पेपर 3 घंटे का अटेम्प्ट किया नहीं है शायद अभी, क्योंकि हम तो कर चुके हैं ना, हम तो सीए इंटर भी कर चुके हैं, सीए फाइनल भी कर चुके हैं, और 11 साल से पढ़ा भी रहे हैं। आपने खुद ही घर में कई बार देखा होगा विद प्रेजेंटेशन क्वेश्चन एक करने में आधा घंटा कई बार लग जाता है, और वहां तो 20 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 5 नंबर का, 20 क्वेश्चन 100 नंबर के, तब पूरा होगा 100 नंबर का 20 क्वेश्चन। अब तुम देख सकते हो जो घर से नहीं करके आ रहे होमवर्क, या जो घर से क्वेश्चन विद प्रेजेंटेशन कोशिश नहीं करते तो उनका पेपर में दिक्कत आएगी। उसके बाद ये देखो एक गलत है, बट वही देखो उसने यहां पे अंडरलाइन किया, ये चीज अंडरलाइन की उसने। अब यहां पे ये देखो जो मेन सेक्शन है पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन किया। अब देखो यहां पे, अब सेक्शन 6(1)A याद है, सेक्शन 6(1)A डीम्ड रेजिडेंट वाला, देखो उसने ब्लॉक कर दिया भाई साहब कि मैं ये दिखाना चाहते हो, देखो मेरे को सेक्शन याद है, और फिर वो कंडीशन इंडियन सिटीजन होना चाहिए,
उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है जी, वो किसी और कंट्री में टैक्स पे ना कर रहा हो, देखो उसने अंडरलाइन की है। फिर रेजिडेंट, और वो हमेशा क्या मानेंगे, आर एन ओवर, याद है वो डीम्ड रेजिडेंट को हमेशा क्या मानते हैं, देखो उसने अंडरलाइन की है। और पॉइंट्स, प्रोविजन को पॉइंट्स में तोड़ दिया, याद है मैंने कहा था कंडीशन होती है इंडिविजुअल, इंडियन सिटीजन, ये वो, तो वही सेम उसने की है, बट उसको पॉइंट्स में तोड़ के कर दिया। अब जब एग्जामिनर को चेक करने वाले को पॉइंट्स में दिखेगा तो वो नंबर क्यों नहीं देगा जी? खिचड़ी बना के आओगे तुम, कोशिश करोगे कि एग्जामिनर की नजर को पागल बना दूं, सर वो पागल नहीं है। आप ये समझो पेपर चेक करने वाले को एक्सपीरियंस है, हमें उसको अच्छे से प्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर यहां पे, अभी देखो ये अगला क्वेश्चन, अब कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिसिज टीना असेसमेंट है 24-25, फिर टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन, यहां पे पॉइंट्स लिखे, यहां पे अमाउंट लिखे जी, ठीक है। और फिर यहां पे उसने अपना बताया उसकी मतलब वर्किंग नोट, देखो नोट्स, अब यहां पे उसने नोट्स बनाए हैं कि ऊपर जो उसने टैक्सेबल किया वो क्यों किया। अब आप देख रहे हो इसने एक ही पेपर में प्रेजेंटेशन दो तरह से कर दी, एक में क्या कर दिया साथ में ही लिख दिया, एक में इसने बाद में लिख दिया, तो दोनों प्रेजेंटेशन ओके हैं। वो डिपेंड करता है टाइम कितना है, वो डिपेंड करता है उसका रीजन कितना बड़ा है। मान लो जहां रीजन बहुत बड़ा है तो तुम साथ में लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा, बाद में वर्किंग नोट में ले जाओ, जहां रीजन छोटा है साथ में लिख दो उसको, ठीक है। उसके बाद और मैं दिखाता हूं इसकी, मेरे को बात बहुत अच्छी लगी आगे इसने जो किया। अभी देखो, अब ये इसने वही ऊपर लिखा क्या निकाला है, फिर वो टेबल फॉर्म, ठीक है, फिर यहां पे वही अमाउंट लिखी है इसने, ये लेस जहां लेस की है, और रिस्ट्रिक्टेड टू इतना, और यहां पे ग्रॉस टोटल इनकम, देन फिर इसी को इसने टोटल इनकम बोल दिया, और फिर यहां पे इसने वर्किंग नोट बना दिए कि जो मैंने ऊपर डिडक्शन दिया वो किस तरह से दी है जी। उसके बाद देखो फिर आंसर जो उसने दिया है, कंप्यूटेशन ऑफ WDV, अब ये सारा बात हम करेंगे PGP के अंदर, ये इसने पॉइंट्स यहां पे लिखे कि WDV कैसे निकालनी है। उसके बाद देखो ब्लॉक ऑफ एसेट, अब देखो मशीनरी, अब ये अमाउंट कैसे आया, ऐसे आया, ये अमाउंट कैसे आया, ऐसे आया, ये अमाउंट कैसे, ऐसे आया, रीजन साथ साथ चिपकाती गई ताकि बाद में टाइम मिले ना मिले। मैं आपको पेपर भी सोल्व करवाऊंगा जब हमारे चैप्टर हो जाएगा ना, आपको पेपर सोल्व करवाऊंगा, आपको मजा आएगा पेपर करके, तो अच्छा फील होगा, थोड़ा सा तुम्हें पेपर आता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे इसने फिर लेस, देखो ये थोड़ा सा इस, अच्छा अब देख कमाल की बात देखना, अगर मैं एग्जामिनर हूं, ये जो इसने लिखा है ना इससे फील हो रहा है इसको ये बाद में याद आया, आप देख रहे हो ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्योंकि देखो सब कुछ सिस्टमेटिक में लिखा है, ये देखो इसने इसको बीच में घुसा के लिखा है, हाँ समझ रहे हो, बट उसको उसके नंबर मिले हैं ऑब्वियस ही बात है। अब देखो ये कैलकुलेशन साथ साथ शो किया उसने कैलकुलेशन, ये सबसे अच्छी बात मेरे को लगी इस, ये देख के ना मेरे को अपना CA फाइनल वाला पेपर याद आ गया, और मैंने इसको मैसेज भी किया, मैंने कहा आपका पेपर देख के मेरे को CA फाइनल वाला पेपर ध्यान आ गया कि मैंने हर कैलकुलेशन शो की थी। बेसिक सैलरी 15,000 पर मंथ, एक साल की कितनी आएगी 180, ये मुझे पता है, ये आपको पता है, बट मैंने 15,000 मल्टीप्लाई 12 करके दिखाया था। मैंने कहा ना तुम ये मान के बैठ जाओ सामने वाला अनपढ़ है, बस वो बिल्कुल छोटा बच्चा है, तुम्हें उसके हर चीज बतानी है, तुम पेपर में अच्छे नंबर ले आओगे। और जहां तुमने ये मान लिया कि सामने वाले को इतनी बात तो पता ही होगी, तो वहीं तुम्हारा पहला स्टेप हो गया फेलियर की तरफ। तो हर पेपर में यह मान के चलना कि सामने वाला अबोध बालक है, अबोध समझ गए ना, अबोध मतलब जो कोई बोध नहीं, उसको कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हें उसे ज्ञान देना है, तब तो हो जाओगे पेपर में पास। अगर तुमने कहीं सोच लिया कि पेपर चेकर एक्सपीरियंस है सारा उससे आता है तो मैं इतना क्यों लिखूं, बस वहीं तुम फेलियर की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आप में से कई बच्चे ऐसे पेपर और दे रहे होंगे जो सब कुछ लिख के आ रहे होंगे, तुम नहीं लिख के आ रहे तो उसको वो नंबर दे देगा, बात समझ में आ रही है ना मेरी। उसके बाद देखो फिर ये क्वेश्चन देखो, अब देखो कमाल की बात, अब ये देखो 10 लाख, मैंने कहा ना सब कुछ इसने साइड में एक एक चीज इसने कैलकुलेशन यहां पे साथ में दिखाई है कि चीजें कैसे आई हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहां पे, अब देखो, अब देखो मैं वही बोल रहा था ना, देखो बेसिक इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी 15 लाख, अब कमाल की बात देखो 1,25,000 मल्टीप्लाई 12 करके भी दिखाया है इसने। अब कहने को तो 10 लाख भी 15 लाख भी लिख सकती थी कि अरे तो वो कर ही लेगा, 1,25,000 मल्टीप्लाई 12 नहीं कर सकता यार, इसमें हमारा टाइम क्यों वेस्ट करेगा, उसने किया है, उसने कहा पता नहीं ना मुझे क्या था, नंबर ही काट ले उसके। तो हर बच्चा हर एग्जाम को ऐसे दे कि वो उसकी लाइफ का लास्ट एग्जाम दे रहा है, बस वो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता,
अगर तुम्हारे दिल से आ गया तो वो अटेम्प्ट तुम्हारा लास्ट है। जिन बच्चों के इस बार एग्जाम नहीं निकले होंगे, आप अपने दिल से पूछना, आपका दिल अंदर से गवाही देगा उससे बेस्ट हो सकता था। और जब अंदर से बात आ रही है कि उससे बेस्ट हो सकता था, तब ये समझो कि फिर आप पास होने की उम्मीद गलत कर रहे हैं। आप जब पेपर देके बाहर निकले, आप जब दिल से, मुंह से नहीं, दिल से ये आवाज आ गई ना, इससे बेस्ट नहीं दे सकता था मैं, तो आप देख लेना आपका रिजल्ट पास में है, क्योंकि आपने पूरा बेस्ट दे दिया ना। और पूरा बेस्ट दे दिया तो फिर आपका ऑल ओवर इन रैंक भी आएगा, अच्छे नंबर भी आएंगे, क्योंकि पूरा बेस्ट देने के बाद फिर बच्चा पास ही होता है। पर आपने कहीं कमी छोड़ दी, कटौती छोड़ दी, पता होने के बावजूद भी चल छोड़ना, इतना कौन देख रहा है। जहां ये बातें आनी स्टार्ट हो गई ना, अब फेलियर की तरफ जा रहे हो। आप ये समझो सर, आप अकेले एग्जाम नहीं दे रहे ना, थाउजेंड्स ऑफ बच्चा एग्जाम दे रहे, उसमें एक बच्चा तो होगा ना सब कुछ लिख के आ रहा होगा, तो आप उससे पीछे होते जा रहे हो बस। तो 3 घंटे में अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट देकर आओ बस। वो कहते हैं ना, वो शाहरुख खान का डायलॉग है कि तुम्हारे पास कितने मिनट होंगे, 70 मिनट। वो 70 मिनट वाला, आ 70 मिनट मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा तुम्हें क्या करना है, 70 मिनट में तुम शो करोगे तुम क्या करके आए हो। मैं तो तुम्हें बस इन 9 महीनों में बता रहा हूं, 3 घंटे तुम्हारे पास है, 3 घंटे में जो गेम खेल जाएगा वो जीत जाएगा। 3 घंटे की गेम है बस, और 3 घंटे मेंटल प्रेशर की गेम है बस। जो उसको इजी ले गया वो जीत गया। आज आधे बच्चे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, आप में से कई बच्चों ने एग्जाम दिए होंगे, फूल जाते हैं उनके हाथ पैर। मैंने कहा ना, घर बैठ के मैसेज करना या घर बैठ के ये कमेंट पास करना कि इतने नंबर ही आए हैं तेरे, वो बात डिपेंड करते हैं वहां 3 घंटे मेंटल प्रेशर क्या था। तो बस उसको थोड़ा सा अगर आप झेल गए तो दिक्कत नहीं है। फिर देखो हर चीज कैलकुलेशन उसने साथ साथ दी है। तो आप बताओ, कुछ आपको नई प्रेजेंटेशन देखने को मिल रही है? नई प्रेजेंटेशन इन सेंस वही टेबल फॉर्म है वैसे तो, जो हम क्लास में कर रहे हैं वही प्रोविजन बेस है। इसने बस 2 चीजें अच्छी की हैं तो मैं आपको इससे सीखनी चाहिए। पूरा पेपर आप देखोगे, पूरा पेपर में अगर आप कहोगे तो इस पेपर को मैं देखो, आप देख रहे हो पूरे पेपर में इसने टेबल फॉर्म, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, और दूसरी अच्छी बात जहां प्रोविजन है इसने प्रोविजन को ब्रेक किया। आप चेक करो, इसने बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखे, आधे आधे पेज के पैराग्राफ लिखे, जहां आधे पेज का प्रोविजन है उसको ब्रेक कर दिया। 2 लाइन लिखी, छोटी सी लाइन छोड़ी, अगली लाइन, 2 लाइन लिखी, छोटी लाइन छोड़ी, अगली लाइन। तो प्रोविजन को ब्रेक करने से क्या हो गया, पॉइंट्स बन गए, पॉइंट्स बन गए, तो उसको चेकिंग करने में आसानी होगी। जितना सामने वाले के लिए इजी करोगे उतने तुम्हारे नंबर बढ़ते रहेंगे, क्योंकि उस पास टाइम नहीं है। एक पेपर चेक होने के लिए कितने मिनट होते हैं एग्जामिनर के पास पता आपको कितने मिनट होते हैं? 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट में वो तुम्हारा करियर डिसाइड कर रहे हैं कि जो तुमने 1.5 साल काम किया है। तो उसके लिए जितना इजी बनाओगे उतना आपको वो नंबर देगा ना। वो वेला नहीं बैठा तुम्हारा पेपर लेके 2 घंटे बैठ रहेगा, नहीं यार बच्चे करियर है ऐसे की तैसे तुम्हारे करियर की, उसको 10,000 पेपर चेक करने हैं उसको, तो वो देखेगा बराबर से, हाँ ओके 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 ओके। अब तुमने बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हैं, कहीं अंडरलाइन नहीं, खिचड़ी तुमने बना रखी है, कैलकुलेशन भी पैराग्राफ के बीच में हो गया, दिमाग खराब कर रहा है, छोड़ इसको अगली बार बुलाओ। सर उसके दिल में दिल खत्म हो जाता है जब तुम ऐसी हरकतें करके आते हो। अब तुम कहोगे सर ये तो गलत बात है ना सर, हमने इतनी मुश्किल से लिखा, आपने जो लिखा उससे बढ़िया भी तो और लिख के आए ना, तो वो उनके लिए ऊपर टाइम लगाएगा वो। ये तो फिर हर, मैंने कहा ना इमोशन तो फिर हर एक आदमी के, फिर तो कोई बच्चा फेल ही ना हो अगर इमोशंस की बात आ जाए। तो उसको रिजल्ट निकालना है और उन बच्चों का निकालना है जो क्रीम बच्चे हैं, जिसने अच्छे से उसको प्रेजेंट किया, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी ये सारी वही टेबल फॉर्म, देखो ऊपर कंप्यूटेशन और फिर पर्टिकुलर यहां पे ये उसने वही अपना यहाँ पे देखो हर एक चीज उसने कैलकुलेशन साथ साथ यहाँ पे उसने हैंडल की है। अब देखो ये नोट्स, वर्किंग नोट बनाया उसने, देखो वर्किंग नोट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ये उसके, देखो वर्किंग नोट के नंबर भी उसको मिले हैं। ऐसा ना वर्किंग नोट के नंबर नहीं है, मैंने कहा स्टेप वाइज मार्किंग है। 5 नंबर का है 2, 2, 1, वो चेक करता वर्किंग नोट नहीं है। अब अगर ये नहीं होते 1 नंबर वो काट लेता इसका। अब तुम बोलो 1 नंबर क्यों कटा, ऊपर तो सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा, बट वर्किंग नोट नहीं है ना नीचे, तो आंसर सही होना इज नॉट सफिशियंट। आंसर निकला कैसे वो भी आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद देखो फिर यहां पे ये रेजिडेंट का उसने भी अपना वही ऊपर क्या निकाला है, ये टेबल फॉर्म। अब कहीं कहीं गलती है तभी उसके नंबर कम आए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है।
तो ये उसके पूरे पेपर में टेबल ऊपर हेडिंग, आंसर बीच में, टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन, हर चीज का रीजन साथ में, और उसके अकॉर्डिंग इसने यहां पे काम किया जी। ठीक है, और देखो कमाल की बात भाई साहब, कैपिटल गेन में मैं हैरान हूं इस बच्चे का पेपर देख के। बच्चा कई बार भूल ही जाता है भाई साहब, जजमेंट का नाम भी लिखा हुआ है कि जो मैंने ऊपर कोस्ट लिया है वो इस जजमेंट ने बोला था, मंजुला जय शाह। ये हम कैपिटल गेन में करते हैं इस, मैं नॉर्मली क्लास के अंदर बोलता हूं ये जजमेंट आई थी, बच्चा कहता छोड़ना आई होगी वो। मैंने कहा ना कई बार बच्चा वो कैच कर लेता है, और वो देखो वो लिख के आ गया भाई साहब, एग्जामिनर की छाती चौड़ी हो गई होगी पेपर चेक करने वाले की, भाई साहब इसको जजमेंट याद है, और वो भी अंडरलाइन करके आ रही है नीचे। तो देखो जिसने वो देखा होगा तो खुश होएगा नहीं कि भाई साहब जजमेंट भी याद है इसको। तो ऑटोमेटिकली फिर चीजें ऐसे इंप्रूव होती हैं। तो देखो यहां पे उसने जो एचआरए वाला अभी हमने किया नहीं, एक्चुअल देखो लोअर ऑफ एक्चुअल रेंट पे 10% ऑफ, मैंने कहा था ना एचआरए वाला क्वेश्चन बना था 50% ऑफ सैलरी सिंस हाउस एट चेन्नई, देखो ब्रैकेट में लिखा उसने, मतलब हर चीज उसने बताई है कि मैंने यहां पे क्यों लिखा है। उसने सामने वाले को ये नहीं कि तू ढूंढ ले, वो काम नहीं किया उसने, तो वही उसके बेस पे फिर उसने कैलकुलेशन किया यहां पे। जे बाकी कटिंग देख लो पूरे पेपर में, एक आधी जगह देखने को मिलेगी कटिंग नहीं है कहीं, आपने देखी पूरे पेपर में कहीं कटिंग, पूरे पेपर में कहीं कटिंग नहीं है। तो चीजें नोट करो कि क्या तुम्हें पेपर में नहीं करना। ओल्ड वाले बच्चों की बात नहीं करो तो गोले भर के आएंगे, बट मेन न्यू वाले बच्चे नोट करो कि पेपर में कटिंग, मेरे को पहली कटिंग देखने को मिली है अभी पूरे पेपर में, और वो भी ऐसे नहीं ये पागलों की तरह। ये अगर कटिंग हो रही है तो एक लाइन बस, वो फिर भी थोड़े देखने में सही लगती है। ये तुम ऐसे करने बैठ जाते हो ना, वो बड़ी 3-4 लाइनें मत खींच देना ऊपर, अगर तुम्हें गलत लिख दिया तो एक लाइन काट के उसके ऊपर लिख दो बस। ठीक है नहीं, देखो अंडरलाइन जो उसने जो जो लिखा है, ये आंसर, ये वही टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन। देखो जैसे यहां पे कटिंग हो गई, अब इसमें वो एक लाइन में कटिंग कर दी, फिर नीचे उसने यहां पे लिखा जी। ठीक है, ये पूरी बस ये टेबल फॉर्म देखो ऊपर हेडिंग, और देन फिर यहां पे देखो क्या, देखो कमाल के, देखो बेसिक सैलरी डीए भाई साहब देख रहे हो, लंच अलाउंस, ये मेडिकल अलाउंस जो भी हम कर रहे हैं भाई साहब, एक एक चीज दिखा के आ रही है वो, आप समझ रहे हो मैं क्या दिखाना क्या चाह रहा हूं, कि एक एक छोटी छोटी कैलकुलेशन की 5,000 × 12 60,000। ठीक है, अब देखो उसने ब्रैकेट में लिखा टैक्सेबल टैक्सेबल, ये चीज देखो ये कैसे आया, फिर लेस में ये कैसे लेस हुआ। ठीक है, फिर एज्यूम्ड नोट को अंडरलाइन किया, तो इस तरह से उसने ये चीजें की हैं। तो क्रक्स ऑफ द पेपर ये निकल के आ रहा है, आगे फिर जीएसटी स्टार्ट हो गया है सारा, ये सारा जीएसटी है जी, टाइम ऑफ सप्लाई। देखो यहां पर भी उसने आपको देखने को मिलेगा जो उसने चीजें की हैं अंडरलाइन, कहाँ कहाँ टाइम ऑफ सप्लाई कितना है उसने बता दिया। ठीक है, उसको बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, ये देखो ये चीजें अंडरलाइन, कि अगर आइडेंटिफिएबल है तो इश्यू वाउचर, और अगर नॉट आइडेंटिफिएबल है तो रिडम्पशन ऑफ वाउचर, याद है वो वाउचर वाला कॉन्सेप्ट, तो वही देखो ये आया हुआ है। ठीक है, देखो ये रिडम्पशन, ये डेट है, देखो ये अंडरलाइन, ये अंडरलाइन, तो ये चीजें हैं बस। तो पेपर ऑफ द क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, इस पेपर से हमें 3 बातें सीखनी चाहिए। पहली बात कि जब हम पेपर को कर रहे हैं हम अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट दे के आएंगे, हम ये मान के कर रहे हैं, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। दूसरी बात, जो भी की पॉइंट्स तुम्हें लग रहे हैं साथ के साथ उसको अंडरलाइन करना। सर की पॉइंट्स कैसे होंगे, कैसे पता लगते हैं, वो तुम्हें पता नहीं लगते, प्रोविजन जब तुम लिखते हो, उसने बोला टाइम ऑफ सप्लाई, अब तुम प्रोविजन लिख रहे हो तो जैसे डेट ऑफ इनवॉइस अंडरलाइन, डेट ऑफ पेमेंट अंडरलाइन, फिर टाइम ऑफ सप्लाई ये अंडरलाइन। जैसे जहां पर अब रेजिडेंशियल स्टेटस है उसमें जब डेज लिखोगे तो डेज को अंडरलाइन करोगे ना, वो पता है वो की पॉइंट है, तो साथ साथ अंडरलाइन। तीसरा, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए तो टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन, आपकी सिंपल टेबल बननी है, बताओ टिंपल, हर पेपर में से टेबल कैसे बनाई है, कैसे बनाई है, एक ही तो बनाई है, ये टेबल बनाई है, लो ये टेबल है, यही तो बनाई इसने, ऐसे करके ऐसे बनाई, यहां अमाउंट यहां वो, जबकि मैं कह रहा हूं इससे बेस्ट हो सकती थी प्रेजेंटेशन। अगर आप चेक करो राइटिंग, ऐसा नहीं है कि राइटिंग बहुत 30 मार्क आने के हीरे जड़ रहे हैं, बट फिर भी नंबर अच्छे हैं, रीजन है, क्योंकि हर पॉइंट उसने दर्शाया है कि मैंने किया कैसे है, हर चीज को उसने शो किया है एक एक कैलकुलेशन को। तो ये बात सीखना कि जब भी हम, जैसा तुम घर से क्वेश्चन करके आओगे टैक्सेबल सैलरी का, तो हर पॉइंट को शो करो, हर पॉइंट को, लगेगा आधा घंटा लग जाए,
पेपर में 20 मिनट लगेंगे, अगर अभी आधा घंटा लगेगा, अगर अभी तुम बिना प्रेजेंटेशन के करोगे तो पेपर में वही तुम्हारा पौना घंटा ले जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इस फॉर्म में प्रेजेंटेशन करनी है, और अगर प्रोविजन बेस है तो फिर छोटे छोटे पैराग्राफ बना के आओ, तोड़ के आओ, प्रोविजन को थोड़ा ब्रेक करके आओ, ताकि सामने वाले को पढ़ने में आए कि तुमने क्या लिखा है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये प्रेजेंटेशन है जिसके जो टेक्स्ट में टॉपर है, इसके 75 मार्क्स है इस बच्चे के, ठीक है जी। और बस आपके सामने इसकी शीट है, तो इस तरह से आपको भी पेपर इससे अच्छा भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आगे अगेन कह रहा हूं, बहुत ज्यादा गुंजाइश इसके अंदर भी है, ठीक है। क्या गुंजाइश है? आप थोड़ी सी और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, थोड़ा सीक्वेंस में लिख सकते हो। जैसे इसने बच्चे ने जो मेरे को लगा मैंने से बात की, जैसे पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट वहां पर भी एक लाइन खींच सकते हो, थोड़ा सा और देखने में अच्छा लगता है। आप समझो ना, जो जैसे एड और लेस थोड़ा सा बीच में है, थोड़ा साइड में लिख सकते हो, तो वो चीजें ऊपर नीचे होंगी तो और अच्छे भी आप नंबर ले सकते हो। बट ये बात तो कंफर्म है कि न्यू सिलेबस के अंदर भी इतने मार्क्स पॉसिबल हैं, प्रीवियस से ज्यादा भी पॉसिबल है अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। मैं इतनी तो मैं गारंटी दे सकता हूं, जो नॉलेज तुम्हें मिल रही है वो बेस्ट मिल रही है, इससे डेप्थ कंटेंट नहीं मिलेगा सर, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं। बहुत डेप्थ हम पढ़ रहे हैं, बट एक चीज में तुम मार खा जाओगे अगर तुम पेपर को सही से लिख के नहीं आओगे बस, तो वो हमें उस पर टाइम लगाना है, बस ये पर ध्यान दो। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, तो फिर आज वाली क्लास को हम यहीं भी पैक करते हैं, और बाकी फिर हम मिलेंगे कल सैलरी में। और सैलरी में हम कल डिस्कस करेंगे, एचआरए हमारा आज हो गया, कल हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फिर परक्यूजिट्स, फिर हमारे धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं कल सुबह 7:45, और आज शाम को कितने बजे? 7 बजे। सारे आएंगे नहीं आएंगे बेटे? अब सीरियस हो जाओ, मैं सही बता रहा हूं, मैं चाहता हूं इस बैच में से आने चाहिए किसी के 80 मार्क्स, ठीक है। मैं टारगेट अभी छोटा लेके चल रहा हूँ, बट 80 मेरे को लगता है सही है, ठीक है। और 80 की तैयारी करने के लिए तुम्हें अभी से लगना पड़ेगा बस, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप में से काफी सारे बच्चे लेके जरूर आएंगे, मेहनत मैं पूरी कर दूंगा इतना मेरा वादा है, आपकी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है जी। चलो बाकी मिलते हैं शाम को 7 बजे, फिर मिलेंगे कल 7:45 सुबह। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।